नरेंद्र मोदी राजा हरिचंद की छठी औलाद स्मृति रानी भी छठी औलाद। पास रानी आपको विद्वान दिखाई दे रहा है खाता नहीं खोलने वाला कि 300 करोड़ में सौदा हुआ है मायावती मान बसपा और भाजपा का और सरकार जो बनेगी यूपीए थ्री की बनेगी कि उल्लू को अगर दिन में ना दिखाई दे सूरज का तोड़ दोष है एक अनपढ़ जाहिल इतना बड़ा रस्सी रखेगा साफ हो जाएगा चुनाव होने वाला है लोकसभा उसी में जनता बता देगी जो सवाल हमसे पूछ रही है बीजेपी तो वाले से पूछिए आपकी भी नौकरी चली जाएगी नमस्कार मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज देश में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है 2024 में लोकसभा इलेक्शन में अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियाँ जो है वो राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है सभी जोश में है एक दूसरे पर दाव पेज जो है वो लगातार चल रहा है इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी जी इनसे बात करेंगे जानेंगे कि इनके इनका क्या कुछ कहना है दो में किस किस सरकार आने वाली है देखिए एक महाभारत में प्रसंग आता है युद्ध खड़ा हो सामने और विवश हो भी पल पल योद्धा सोचता होता है और अधीर इसका मतलब यह होता है कि हमेशा जीत सत्य की होती है सत्य के रास्ते पर चलने वाले की होती है जो नफरत की दुकान सजा रखे हैं नफरत की दुकानदारी थोड़े दिन तो चलती है फलती फूलती है लेकिन उसका पतन बड़े जल्दी होता है और पंडित राहुल गांधी जो हैं सत्य के रास्ते पर अहिंसा के रास्ते पर और उसके अलावा मोहब्बत की दुकान खोले हैं गंगा जमनी तहजीब काश्मीरियत क्या होती है सनातन धर्म क्या कहता है आपको मैं बता दूं कि जो पद यात्रा हुई हैं पंडित राहुल गांधी पहले पदयात्री नहीं थे सबसे पहले पदयात्रा अगर किसी ने शुरुआत किया था तो पिता के आदेश का पालन करते हुए प्रभु राम राजा राम चले थे और वनगमन किया और लंकापति रावण का सत्यानाश कर दिया महान अहंकारी का दूसरी पदयात्रा आपको पता है गौतम बुद्धा ने किया एक राजा के लड़के थे और सिंहासन छोड़ करके उनका सिद्धार्थ नाम था वो गौतम बुद्ध कहलाए और बौद्ध धर्म की स्थापना की तीसरी पदयात्रा जानती है कौन किया उससे बड़ी पदयात्रा आज तक पृथ्वी पर नहीं हुई वो पदयात्रा अगर किसी ने किया तो उस शख्सियत का नाम है आज गुरु शंकराचार्य चार मठ की स्थापना किया और सनातन धर्म लुप्त हो रहा था उसे बचाने का काम किया उसके बाद चौथी पदयात्रा अगर किसी ने किया तो महात्मा गांधी ने किया दांडी मार्च निकाला पांचवी पदयात्रा किया तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी निकाले कन्याकुमारी से लेकर के दिल्ली तक और छठवीं बड़ी पदयात्रा निकाला पंडित राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक आप बताइए कि उल्लू को अगर दिन में ना दिखाई दे इसमें सूरज का थोड़, दोष थोड़ा है भक्तों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ व्यक्ति एम फिल किया हुआ व्यक्ति इकोनॉमिक्स में एम फिल किया हुआ व्यक्ति नहीं समझ में आता है तो अंधभक्तों का दोष है इसमें उनकी शिक्षा का कोई दोष नहीं है तो आप बताइए आज गांव में मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं बिहार भी हमारे करीब है बिहार और यूपी मिला के जानती हैं 120 सौ होती है 120 सीट में कहाँ जाएंगे बिहार में इनका खाता नहीं खोलने वाला आ यूपी की जो हालत है वो तो उसका तो कुछ कहिया ही नहीं जो भी सड़क इन्होंने बनवाया जो भी सड़क इन्होंने बनवाया वो सड़क बेकार हो गई जो भी इन्होंने काम किया वो बेकार हो गया आप बताइए पाँच किलो राशन से दे करके के की जनता जनार्दन को आप जो है आलसी काहिल कामचोर बनाना चाहते हैं अरे भाई रोजगार दिए रोजगार आपके पास है नहीं सब अड्डानी अंबानी के हवाले कर दिया है बेच डाला है ये मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा देश कह रहा है गांव के लोग कह रहे हैं तो जनता सब समझ रही है आने वाली लोकसभा में ये जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और सरकार जो बनेगी यूपीए थ्री की बनेगी अच्छा कांग्रेस में इतना दम नहीं है क्या कि नरेंद्र मोदी को अकेले हरा सके गठबंधन की जरूरत पड़ रही है कांग्रेस को हराने के लिए क्या नरेंद्र मोदी और आरएसएस में दम नहीं था जो एनडीए गठबंधन करके हराए थे कहो बोलिए भाई वकालत स्मृति ईरानी कहती है कि लोकप्रियता साबित होती है इसी से सारे जो चोर हैं इकट्ठा हो रहे हैं एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये बताया नरेंद्र मोदी राजा हरिचंद की छठी औलाद है स्मृति ईरानी भी छठी औलाद है आप मुझे बता दीजिए हेमंत विश्वर्मा जो है दूध के झूले हैं अजीत पवार इनके पास गए दूध के झूले हैं और लोग जितने गए हैं दूध के धूले हैं इनके वहाँ घोटाला नहीं हुआ है अभी कोई पत्रकार की कोई यूट्यूब पे मैंने देख रहा था कि 300 करोड़ में सौदा हुआ है मायावती मैंने बसपा और भाजपा का गठबंधन का वो ठगबंधन कहलाएगा कि गठबंधन कहलाएगा तनी मुझे बता दीजिए वो तो खिलाफ बोलती हैं बीजेपी के मैं ये कह रहा हूँ कि हो गया है ना तो मेरे कहने का प्राय यह है कि कृपया इस देश की जनता जनता बड़ी समझदार है राहुल गांधी अच्छा बता ये बताइए एक मध्य प्रदेश में कांड हुआ था एक गरीब हिंदू आदिवासी के ऊपर भाजपा का एक कार्यकर्ता एक विधायक का प्रतिनिधि मुँह रहा था और वहाँ का मुख्यमंत्री पाँव पखार रहा बाद में वो भी फर्जी तरीके से तो इससे अच्छा और दिन क्या चाहिए कि मुख्यमंत्री पाँव पखार रहा है उसके साथ खाना खा रहा है? मुख्यमंत्री फर्जी लोगों का जो, जो जो जिसके साथ गुना हुआ था जो पीड़ित था उसके साथ नहीं किसी को किराए पर पकड़ लाए थे कांग्रेस के नेता भी तो जाके गंगा जल से नहला रहे थे पीड़ित को कांग्रेस के नेता मैंने तो कहीं नहीं देखा पब्लिक गई थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता जी को आपने देखा नहीं नहीं के देखा जो है। नहीं नहीं कांग्रेस दिग्विजय सिंह गए हमारे नेता का नाम तो बताइए मैं इनके मुख्यमंत्री का नाम बताता हूँ चालीस परसेंट कमीशन वाले शिवराज सिंह चौहान का मैं तो बता रहा हूँ आप बताइए हमारे पार्टी का कोई गया है आप बता दीजिए कोई पत्रकार अगर सवाल पूछे है, तो अमेठी में उसकी नौकरी चली जाए क्या राहुल गांधी से सवाल पूछने वाला व्यक्ति तो किसी की नौकरी गई है ये लोग बता दें राहुल गांधी तो जवाब ही नहीं दे पाते हैं आप कह रहे हैं आ... कैमब्रिज का पढ़ा हुआ इंसान लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन जो चाय बेचने वाला है कैम्ब्रिज के पढ़े हुए इंसान को भरमा देता है ये भरम जाते हाँ हाँ आपने देखा कब कचहरी गई हैं कलेक्ट्रेट दीवानी कभी गई हैं नहीं गई हैं जाइएगा देखिएगा एक अनपढ़ जाहिल इतना बड़ा रस्सी रखेगा भी सांप हो जाएगा आप पढ़े लिखे वकील ऐसे ऐसे करके देखते हैं और उसके बाद जानते हैं क्या होता है शाम को भालू के बाल की जंतर बनवा करके आप बेच करके और लगभग एक हज़ार रुपया कमा के चला जाता है तुसी तरीके से ते भी अमादारीय तो है हैं और क्या राजा बाबू की बात कर रही है ना अच्छा ये बताइए 2024 में जो है पीएम का चेहरा कौन है अगर मोदी नहीं तो फिर कौन ये जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी भागीदारी और पंडित राहुल गांधी को ही लोगों ने नेता मान लिया राहुल गांधी पंडित कब बने पंडित का मतलब आप जानती हैं जिसको वेद मंत्र आता हो आप गलत स्वामी की शिकार हैं। ब्राह्मण किसके बोलते हैं जिसको वेद पंडित में अंतर होता है हाँ। बच्ची इसको आप जाकर के पढ़े पत्रकारिता तो बताइए ना पंडित कब पंडित, पंडित, पंडित का मतलब, का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विद्वान से होता है हाँ। समझ गई नट ब्राह्मण विद्वान हाँ। है या नहीं है डिस्कस का मुद्दा ये है बारह पास स्मृति रानी आपको विद्वान दिखाई दे रही है बुश्किल हाई स्कूल की डिग्री प्राप्त किया हुआ आपको विश्व गुरु दिखाई पानी पानी इन्वेस्टर इन्वेस्टर अंतर जिस देश के पीएम को नहीं है उस देश का ईश्वर मालिक है ग्लोबल लीडर बन गए हैं वो हाँ हाँ भाई आप अपने मुंह मुहैया बनना जानती हैं गाँव में देहातों में जिस क्रूप व्यक्ति को गांव टोले मोहल्ले की महिलाएं वो जब उसको लाइन नहीं देती हैं तो घर में आता है कहता है अपनी बीबी से कि सजनी हम हूँ राजकुमार समझ गई वही स्थिति हमारे देश के माननीय राजा बाबू की है अच्छा राजस्थान की अगर बात करें तो वहाँ पर जो है जो क्राइम है वो चरम सीमा पर है और बीजेपी साफ तौर पर ट्वीट कर रही है कि अब नहीं सहेगा राजस्थान हाँ ये बात बड़ा बढ़िया कहीं दिल्ली में जो महिला पहलवान थी गोल्ड मेडलिस्ट थी अभी भी जीत करके लाई हैं उनके साथ तो सत्य और न्याय हुआ था उत्तर प्रदेश में तमाम बलात्कार पीड़िताएं घूम रही हैं आपको हाथरस वाला याद होगा कुलदीप सिंगर इन्हीं है। इन के हैं इन्हीं के पार्टी के पूर्व गृह राज्य मंत्री चिम्यानंद स्वामी हैं उनके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का थोड़ा उसके बारे में भी विस्तार आप तो पीछे पड़ गए हैं लोगों का कहना है पीछे पड़ गए हैं खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसे हाल हो गया इतना आ, है इतना बढ़िया राम राज्य चल रहा है आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा आ, ना, 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 ना नहीं ना हमको नहीं बर्दाश्त हो रहा जनता बताएगी ना चुनाव होने वाला है लोकसभा उसी में जनता बता देगी कि राम राज्य है कि कौन सा राज है तो क्या लगता है योगी को हरा देंगे योगी को नहीं राजा बाबू को हराया जाएगा योगी अपने आप पर समाप्त हो जाएंगे हाँ, हाँ। जो, जो उस व्यक्ति से गठबंधन किए हैं एनडीए का हिस्सा बना है जिनके खिलाफ योगी मोदी अमित शाह बोलते हुए आघाते नहीं थे मुख्तार के बेटे एनडीए गठबंधन का हिस्सा बना है आप जानती हैं मुख्तार भी तो वो जो है जो है सबसे बड़े फकीर हैं अति फकीर से निपट गए ब्रजभूषण फकीर आतंक है आतंकवाद खत्म कर दिया हाँ नहीं ब्रजभूषण जो है वो ऋषि महर्षि हैं वो आए हैं विश्वामित्र की का जो है दोबारा जन्म हुआ है आ? उन, उन जूझ के धूले हुए हैं और पूरा देश अपराधी है रघुराज प्रताप सिंह क्या है सोनू मोनू क्या है सिंह क्या है इनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे योगी जी बता दें आप बताइए आप पूछिए जो सवाल वह हमसे पूछ रही हैं तन बीजेपी वाले से पूछिए आपकी भी नौकरी चली जाएगी ठीक है साफ़ तौर पर आपने सुना कि कैसे गुंडागर्दी की एक जो है सरकार चलती है अगर सवाल पूछा जाए तो नौकरी चली जाएगी गुंडागर्दी किया जाता है जो अपने में आ जाते हैं अपने पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके सारे जो पाप हैं दुष्कर्म हैं वो माफ़ हो जाते हैं और जो अगेंस्ट में होते हैं विपक्ष में होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है गलत तरीके से जो है न्याय दिलाया जाता है रोड पर मरवा दिया जाता है और ऐसी सरकार जो चल रही है जो खबरें होती हैं वो सामने नहीं आने दिया जाता है ऐसे जो है सरकार चलाई जा रही है ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ कैमरा आशीष के साथ ब्यूटीगिरी दिल्ली